चतुरनार चर के सिंगार मेरे मन के द्वार ये भूसत जात हम मरत जात अरे चतुरनार चर के सिंगार नाचते हुए तेलानी रामा तथा चारे के साथ ताल से ताल मिलाते तेलानी रामा विलक्षण बुद्धिमान आधुनिक चोटी धारी जिसके दुनिया का एक गुण गा लेकिन रियल लाइफ में कितने संस्कारी हैं तेनाली कैसे अकेले मुंबई में अपनी लाइफ जीते हैं भाई सास बहू और बेटा में आज हमारे खास मेहमान हैं सब टीवी के सीरियल तेनाली रामा के तेनाली यानी कृष्णा भारद्वाज जो आज कर रहे हैं डे आउट यानी घर से सेट तक का सफर कैसी होती है कृष्णा उर्फ तेनाली की मॉर्निंग कितने संस्कारी हैं हमारे तेनाली रांची का ये लड़का मुंबई में कैसे रहता है कौन है इनके ऑन स्क्रीन साथी कैसे करते हैं शूटिंग के खाने में क्या खाते हैं भाई ये सब जानने के लिए हम सुबह सुबह कृष्णा भारद्वाज के घर पहुँचे बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग प्लीज आइए आपका बहुत स्वागत है मेरे घर में आइए प्लीज आइए रांची के रहने वाले कृष्णा भारद्वाज मुंबई में अपने रूममेट के साथ एक बैचलर के तौर पे रहते हैं राम गुड वेरी गुड और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे इतनी सुबह सुबह मिलके सुबह के 7:30 बजे मैं अभी अभी नहा के निकला हूँ और आप आ गए बिल्कुल टाइम पर क्या बात है और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है आपको दिखाता हूँ मेरे घर में क्या है कैसे रहता भाई बैचलर होते हुए भी इन्होंने अपने घर को बड़ी ही सफाई से रखा हुआ है और किसी संस्कारी बेटे की तरह ये अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं भगवान के ध्यान के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं रोज उठूँ सुबह तो ये मेरे को ये देखने के लिए मिले बिकॉज आई एम क्वाइट अ स्पिरिचुअल पर्सन और मैं अपने गुरु जी हैं दादा श्री जी उनको फॉलो करता हूँ जिनका आश्रम है करजत में वहाँ पर मेडिटेशन सीखे हैं मैंने बहुत मेडिटेशन क्लासेस लोगों को कैसे सिखाया जाता है वो भी सीखा है दीज आर समथिंग सम एथिक्स सम मॉरल्स ऑफ माई लाइफ विच आई एक्चुअली बिलीव इन तो ये एक्चुअली एक सरप्राइज है मेरे लिए जो कि मेरे फ्लैटमेट ने मुझे दी है मेरा बर्थडे आने वाला है तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विद यू सो धर्म तपस्या प्रेम कर्म और ध्यान आई थिंक ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान की लाइफ में हो तो लाइफ चेंज हो जाती है और एक एक्टर की लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक एक्टर बड़ा ज़्यादा बेटर एक्टर बन सकता है आई रियली बिलीव इसमें साईं बाबा हैं दुर्गा माँ हैं ये मेरे गुरुजी हैं दादा श्री जी जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ अभी मैंने पूजा की नहीं है 5 मिनट में यहाँ पर पूजा करूँगा पूजा पाठ के बाद बारी है नाश्ते की अभी अभी मैंने पूजा की सुबह ये दादा श्री जी जो हैं मेरे गुरुजी हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में तो पूजा पाठ काफ़ी करता हूँ ये तुलसी जो मैंने अभी दिन में जहाँ पूजा की और पानी डाले इसकी भी कहानी है कि मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती थी हमेशा यार घर पर तुलसी होनी चाहिए घर पर तुलसी होनी चाहिए तुलसी लाने का टाइम ही नहीं पहले की तुलसियाँ क्योंकि आउटडोर शूटिंग होती है तो तुलसियाँ सूख जाती हैं तो फिर अभी मेरे फ्रेंड हर्ष तुलसी लेकर आए और ये एक हफ्ते में ही इतनी बड़ी हो गई है विच इज़ अ वेरी नाइस एंड पायस थिंग तो दिन की शुरुआत ऐसे होती है नहा धोकर पूजा पाठ करके अब अगर नाश्ता तैयार है तो नाश्ता कर लेते हैं फिर जल्दी से शूटिंग के लिए निकलते हैं क्योंकि लेट हो गया कॉल टाइम तो प्रोडक्शन वाले मेरी बैंड बजा देंगे सो चलिए नाश्ता करते हैं तो चलिए देखते हैं कि आखिर कृष्णा यानी हमारे तेनाली रामा की रसोई में क्या पक रहा है और कौन बनाता है उनका नाश्ता किचन एरिया में हमारी कुक निशा जी हमारे लिए नाश्ता बना रही है निशा जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप अच्छा
मैं आज निशा जी से काफी दिनों के बाद मिल रहा हूँ क्योंकि मैं रोज सुबह इनके आने से पहले चला जाता हूँ, मेरी साथ की शिफ्ट चल रही थी। तो आज आप नाश्ते में क्या बना रहे हैं मेरे लिए? आलू पराठा और चना दाल। आलू पराठा और चना दाल, मुझे पराठे बहुत पसंद है। मुझे रोज के रोज आप पराठे खिला दो, मैं खुशी खुशी खाऊंगा। भाई आप कृष्णा बैठ गए हैं अपने घर के फेवरेट कॉर्नर पे, जहाँ पर वो करने वाले हैं एक खास ब्रेकफास्ट। बावरे नाका झांकी क्यों करे अपने कुटिल भाव तू जान की से रख परे, अपने कुटिल भाव तू जान की से रख परे। ग्रीनरी है आप देखेंगे बाहर, खास करके इस मौसम में इतनी ग्रीनरी है, ग्रीन कलर के सारे शेड्स आपको देखेंगे। घर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है, तो वो मंदिर 5 बजे खुल जाता है और 5 बजे से ही घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। तो कई बार मेरी नींद उन घंटियों से ही खुलती है। मैं यहाँ से उठता हूँ तो मुझे वो घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे घी मक्खन पराठे भुजिया चाय और अचार, जो कि अभी आ रही है, जो कि घर से बनकर आई है। प्लीज़ मुझे अचार दो। हाँ, ये हमारी एक छोटी हर्ष की छोटी मम्मी है, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ये अचार बनाकर भेजा है। तो मैं नाश्ते में मोस्टली पराठे खाता हूँ। आज आलू का पराठा है जो निशा जी ने अभी अभी बनाया है और मुझे बहुत पसंद है। ये डेट्स हैं जो कि हेल्थ के लिए मुझे खाना पड़ता है, तो मैं नाश्ते में चलो ये भी खा लेता हूँ कभी कभी। मुंबई में कृष्णा अपने रूममेट हर्ष के साथ रहते हैं और इनके घर की सफाई देखकर कौन कहेगा कि यहाँ पर बैचलर्स रहते हैं। भाई लगता है कि मोदी जी का नारा यानी सफाईगिरी का नारा इन बैचलर्स ने बड़े ही अच्छे से अपनाया है, तभी तो इनके घर की सफाई का क्या कहना। एक छोटा सा वायलिन है यहाँ पर जो मैं सीखना चाहता था लाइफ में कभी, पर मैं सीख नहीं पाया बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला, जो कि सालों से यूं ही पड़ा है, तो अभी ऐसे शोपीस की तरह यूज़ होता है। हाँ, ये यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हैं, दिस साइकोलॉजी बुक्स, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स। ये कुछ छोटा सा शोपीस है, ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ फ्रेम्स हैं, ये मेरा फ्रेंड है जो यहाँ पर मेरे साथ ही रहता है, हर्षवर्धन पुरोहित। हम दो फ्रेंड साथ में रहते हैं। वो मेरी फोटो है जिसमें मेरे बाल और दाढ़ी है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुद को अब ऐसे बालों के साथ देखकर। अब तो ज़माने हो गए जब मेरे बाल गए हुए, मैं रोज़ सुबह सुबह सेट पे जाकर सबसे पहले शेव कराता हूँ, टकला होता हूँ, तो मेरे बाल हुआ करते थे ऐसे घने घने, वो दिन कुछ और थे। तो बस ये एक छोटा सा कैबिनेट है, कुछ बुक्स और हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये मैजिक बॉक्स है, इसमें कुछ गिफ्ट मिला था, ये एक छोटा सा स्लेट है जिस पे लव लिखा हुआ है, एक छोटा सा शोपीस वापस एक है, ये मेरे फ्रेंड का है क्योंकि वो आर्ट डायरेक्टर है, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाकर घर बहुत अच्छे से सजाता है। बीइंग बैचलर्स हम बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात है कि हम अपना घर साफ़ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज आने वाले थे तो हमने अपना घर जल्दी साफ़ कर लिया। आप मोस्टली भी आएंगे तो घर आपको ऐसे ही साफ़ मिलेगा। अब आपको मैं मिलाता हूँ जो हमारे घर के आर्ट डायरेक्टर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नाम है हर्षवर्धन पुरोहित। हर्ष, हाय गाइस। हेलो। तो हम यहाँ साथ में रहते हैं, ये घर में जो भी सजावट देख रहे हैं यही करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे घर के बारे में? मेरा घर है, अच्छा घर है। ये बात सबसे अच्छी होती है कि ये मेरा घर है और अच्छा घर है। घर चाहे जैसा भी हो, छोटा बड़ा, घर घर होता है, आपके सर पे एक छत होती है, जैसा भी हो, यही एक घर की असलियत खासियत होती है। ये एक और कैबिनेट है जो हमारे आर्ट डायरेक्टर ने सजाया है हमारे लिए, ये पहले हुआ नहीं करता था। फिर हमने एक फिल्म की थी साथ में, उस फिल्म में, गुजराती फिल्म जो आने वाली है, उसमें ये आर्ट डायरेक्टर है और मैं इस फिल्म का मेन लीड हूँ, तो ये हम वहाँ से लेकर आए हैं डायरेक्टर से मांगकर। यहाँ पर कुछ बुक्स हैं वापस। ये माला है, मैं एक गुरुजी को फॉलो करता हूँ तो ये माला चैंटिंग के लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, सुबह शाम को ये माला यूज़ करता हूँ। ये भी वहीं से है, हमारे गुरुजी के ही आश्रम में ये बनती हैं, ये ब्रेसलेट्स रुद्राक्ष वाली, ये भी हम अभी गुरु पूर्णिमा के दिन पर लेकर आए थे। ये मेरी पुरानी फ़ोटो है जब मेरी बॉडी हुआ करती थी अच्छी, अब तो शूट कर करके हालत ख़राब है। ये एक और फ़ोटो बड़ी प्यारी सी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छी, बहुत पसंद है। ये मेरे भाई की शादी के टाइम की फ़ोटो है और ये हर्ष की फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर। ये हर्ष है, ये हमारे गजराज हाथी की पेंटिंग है, जो अगेन जो गुजराती फिल्म हमने की थी उसमें हमने ये यूज़ किया था।
तो डायरेक्टर को हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि वी वांट टू टेक दिस, एंड हमारे डायरेक्टर हैं दीपेश सर, उन्होंने ही इज़ रियली काइंड इनफ कि उन्होंने हमें कहा कि नहीं ये ले जाओ तुम्हारा है, बिकॉज ये हमारा ही आइडिया था कि हम ऐसी पेंटिंग यूज़ करेंगे फिल्म में, और उन्होंने पेंटिंग हमने यूज़ करने दी. तो दिस इज़ रियली नाइस, ऐसा ग्रैंड लगता है यहाँ पर, इसको देख कर बड़ा अच्छा लगता है. सो ये है, ये मेरे फ्रेंड हर्ष के कुछ सामान है यहाँ पर, दीज आर्टिस्टिक बॉक्सेस एंड हिज फ्रेम्स एंड पेंटिंग्स. पर्दे देख रहे हैं, ये मैं अगरतला से लेकर आया हूँ. मैं वहाँ पर प्ले करने गया था जंगल बुक, जिसमें मैं शेर खान का कैरेक्टर प्ले करता था, और मुझे ये बहुत पसंद आए वहाँ पर छोटी सी शॉप में. तो ये और ये जो एक लाइट वापस आपको दिखाऊँगा, जो कि हैंडमेड है, ये सारी हैंडमेड हैं, बैम्बू से बनी हुई हैं, बैम्बू के छिलकों से बनी हुई हैं, बहुत ही हल्की और बहुत ही प्यारी लगती हैं ये. तो ये मुझे पसंद आई और मैं वहाँ से लेकर आया. ये सारी भी वहीं की हैं, सारी हैंडमेड चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक हैं काफ़ी. तो बहुत ही छोटी छोटी सा छोटा छोटा सा सामान है, पर बहुत प्यारा है लगता है मुझे ये. आइए अब हम चलते हैं हमारे किचन एरिया में. निशा जी, तमिल में आप बताएंगे कि तेनालीराम जरूर देखें. मटे इरकरा नल्ला इरकरुम, बस मजा वरुम, बस मजा वरुम, ये. बाहर शहर से आया हुआ बंदा एक नए शहर में रहता है, अकेला रहता है, फ्रेंड्स के साथ रहता है, माँ बाप होते नहीं हैं साथ में, कोई खाना बनाने वाला होता नहीं है. तो यू हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड यू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विथ योर मेड, योर कुक एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे बिकम योर फैमिली, दे बिकम योर मदर, दे बिकम योर सिस्टर. जो कि मेरी मम्मी मेरे लिए करती थी बचपन में ऐसा. कृष्णा भारद्वाज का घर घूम लिया, उनके रूममेट से मिल लिए, उनकी किचन भी देख ली, लेकिन अब वक्त है सेट पर जाने का. यस, तो ये मेरा बैग है और ये मेरी टिफिन है, और अपन शूट के लिए निकलते हैं. अब काफ़ी लेट हो गया है, अब मेरे को डर भी लग रहा है, वहाँ पर लेट से पहुँचेंगे, डायरेक्टर मेरे को बहुत डांटेगा. तो अब जल्दी जल्दी भागकर हम सेट पर पहुँचते हैं और वहाँ मिलते हैं. मैं आपको तेनालीराम का मेकअप और गेटअप, कैसे मैं तेनालीराम बनता हूँ, वो सब बताऊँगा. मैं जब भी ऐसे शाम को निकलता हूँ तो वो उस पेड़ के नीचे वहाँ पर सारी आंटीज़ बैठी रहती हैं और रोज़ मुझसे पूछती हैं, मिठाई कब खिला रहे हो, लड्डू कब खिला रहे हो. तो मैं हमेशा कई बार ऐसे फ़ोन पे ऐसे बात करते करते देखता हूँ, देख तो नहीं रही ऐसे से, हाँ हेलो, नकली नकली में बात करते हुए निकल जाता हूँ ताकि मुझे टोके नहीं, बिकॉज वो मुझे रोज़ पूछती है, शादी लड्डू कब, लड्डू कब. और मुझे बहुत प्यार करती है. एक बार ने तो आंटी ने तो थप्पड़ भी लगा दिया, शादी नहीं करता है, जल्दी से शादी कर. भाई सेट पर जाने से पहले कृष्णा एक काम है जो सुबह सुबह ज़रूर करते हैं, और वो है अपने घर के आंगन में बने हुए साईं बाबा के मंदिर के दर्शन. तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे बाबा के घर, मेरे साईं बाबा के घर, जहाँ बैठकर हम थोड़ा ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं. श्री साई जय जय साई, ओम साई, श्री साई जय जय साई, साई शिरडी साई. शरणु शरणु शरणम गुरु साईनाथ शरणम, शरणु शरणु शरणम गुरु साईनाथ शरणम, साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम. आई ऑल्सो थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे भगवान का बहुत आशीर्वाद मिला है कि मुझे तेनालीराम जैसा कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है. आदिनाथा विश्वगर्भा त्रिकाल सर्वलोके स्वामी जगत सद्गुरु महावतार बाबाजी सत्यम त्वम नमः. भाई बाबा का आशीर्वाद लेकर कृष्णा निकल पड़े अपने स्टेट की ओर.
कृष्णा रहते हैं मुंबई के बोरीवली इलाके में और इनका सेट है नाय गांव में। जाने में लगते हैं पूरे डेढ़ घंटे, लेकिन डेढ़ घंटे ये मॉनसून का मजा उठाते हुए और गाना गाते हुए जाते हैं। को मिलवा रहा हूँ मेरी जो सेकेंड फैमिली है रांची में, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मन्नू, उसकी मम्मी से जिनको मैं अम्मा बोलता हूँ, और उनकी वाइफ गीतांजलि, और उनकी बेटी है जो कि मुझे के पापा बोलती है क्योंकि मेरा नाम कृष्णा पापा है। तो वो अभी स्कूल चली गई है, मैं उससे वीडियो चैट कराता पर वो नहीं है, तो मैं अपनी बाकी की फैमिली मेम्बर से आपको वीडियो चैट कराता हूँ। तो ये है अम्मा, आंटी से हाय टू आज तक, दैट्स गीतांजलि। मन्नू अपना फेस दिखाओ। हेलो, तो प्लीज़ बताओ सबको, तुम लोगों को आज तेनालीरामा कैसा लग रहा है और रायशा को कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। मैं अपनी गॉड डॉटर, उसको मैं अपना गॉड डॉटर मानता हूँ, रायशा नाम है उसका, वो मुझे के पापा बोलती है, उससे बात करता हूँ। अभी वो स्कूल चली गई, हम थोड़ा लेट हो गए, बट दिस इज़ माई सेकेंड फैमिली। मेरे मॉम डैड इतने टेक सेवी नहीं है, तो मैं उनसे वीडियो चैट नहीं कर पाता, इनसे करता हूँ। कृष्णा भारद्वाज ने करियर की शुरुआत की थी सीरियल पा बहू और बेबी से, उसके बाद इन्होंने जसूबेन जयंतीलाल की जॉइंट फैमिली और आर के लक्ष्मण की दुनिया जैसे कई सीरियल्स में काम किया। भैया जाने जाते हैं अपनी कॉमेडी वाले अवतार के लिए, और आजकल सब टीवी के सीरियल तेनालीरामा में ये कर रहे हैं जबरदस्त कॉमेडी, लेकिन रियल लाइफ में ये है गाने के शौकीन। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बातें करते करते हम पहुंच गए नायगांव, यानी सीरियल तेनालीरामा का सेट, तो सीधा चलते हैं कृष्णा के साथ उनके सेट की ओर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड मानव, आप कैसे हैं? मस्त। अब चलते हैं कृष्णा के मेकअप रूम में, जहां उनको तैयार होने में पूरे 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये हमारा मेकअप रूम है, वेलकम, कम इन, आइए। ये देखिए, ये है बंधु, बंधु मेरा मित्र जो मुझे बड़ा परेशान करता है और जिसे मैं अपने सर पर लगाए लगाए घूमता हूँ, इसका नाम है बंधु। बंधु हेलो बोलो। हेलो। तेनालीरामा का मेकअप होता है बहुत ही लंबा, जहाँ पर 3 लोग इनको फाइनल लुक देते हैं। सबसे पहले तेनालीरामा के चेहरे की रंगत बदली जाती है, उसके बाद सर पे शेव किया जाता है। हाँ, ये देखिए मेरे सर पे क्या है, इतनी देर से मैं कृष्ण बना हुआ था आज एक स्पेशल सीक्वेंस की वजह से, पर ये एक्चुअल में रोज़ होता है। सुबह सुबह आने के बाद मैं सबसे पहले शेव करता हूँ, और ये मेरे दादा हैं, नाई दादा हैं, जो रोज़ आकर मेरा शेव करते हैं। ये उस्तरा अभी मेरे सर पर फेरा जाएगा और आप देखेंगे। उस्तरा इनका ही है, रामा जी के लिए। ये देखिए, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, इन्होंने रामा स्पेशल उस्तरा इन्होंने खरीदा है, बनाया है मेरे लिए। शुरू में तो मुझे बहुत जलन होती थी, स्कैल्प निकल कर आ जाते थे, परेशान हो जाता था। अब आदत हो गई है, बिकॉज 1.5 महीने हो गए हैं रोज़ करने की, और मेरे बाल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि अगले दिन बाल आ ही जाते हैं, और वो चलता नहीं है, वो तेनाली के बाल नहीं दिखने चाहिए, वो गंजा है तो है गंजा, तो इसलिए रोज़ सुबह सुबह यही होता है। एंड आई हेट शेविंग, मैं ऐसा बंदा हूँ जो 10-10, 12-12 दिन तक शेव नहीं करता था। यक चतुर नार कर के सिंगार, मेरे मन के द्वार ये भूसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे हे, चतुर नार कर के सिंगार परता। ये इसका फाइनल रूप है, से जो कि एक्रिलिक पेंट से लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके ये टीका लगते ही फेस कैसे चेंज हो जाता है। ये देखिए, टीका कंप्लीट हो चुका है तेनालीरामा का, और अब आपको मैं बिल्कुल तेनालीराम के एक्सप्रेशंस के साथ दिख सकता हूँ, उसके गेटअप के साथ दिख सकता हूँ। शेविंग हो जाने के बाद इनके सर पे लगती है इनकी चोटी, जिन्हें अपनी बंधु कहते हैं। अब बारी है कपड़े पहनने की। भाई तेनालीरामा हमेशा रहते हैं धोती कुर्ते में, और इनकी ज्वेलरी और टैटू होते हैं बहुत खास। ये गांठ लग जाने के बाद बंधु कंप्लीट हो जाता है, और जब भी ये ज्यादा बोलता है या मुझे परेशान करता है तो मैं इस पे गांठ लगा देता हूँ, और ये फिर चुप हो जाता है। रियल टैटू बन गया है, दिस इज लाइक अ रियल लाइफ टैटू, तो फयाज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है,
वो वहीं पर रोज ये फार्मा लगा देते हैं और टीका टैप लग जाता है। द्राक्ष बहुत दिखेंगे, रुद्राक्ष और तुलसी की मालाएं दिखेंगी। तो ये सारी हाथ की ज्वेलरी हुई, अब गले में ये मुझे तुलसी की माला पहनाएंगे। तो आखिरकार कृष्णा तैयार है तेनाली रामा बनके। कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी, अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। कि उस एरा को ध्यान में रखते हुए जो भी किया जा सकता था रिसर्च करके अच्छी तरह से ये बनाया गया है। और ये जूट मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ये नीचे वाला, आई थिंक उस ज़माने में लोग जूट के मटेरियल के ही कपड़े पहनते होंगे, जो जो गोनी जो बोरी बनती है ये मटेरियल वो है। अब चलते हैं सेट की ओर, जहां तेनालीरामा को आज फांसी लगने वाली है। जी, महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में तथाचार्य ने रखी है एक साजिश, जिसके तहत तेनालीरामा फंस गए हैं। लेकिन तेनालीरामा भी बड़े चतुर हैं, आखिरकार तथाचार्य को उन्होंने दी पटकी और निकल गए उनके षड्यंत्र से। लेकिन रियल लाइफ में तथाचार्य यानी पंकज बैरी है कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड। अब आपको मैं मिलाने वाला हूँ मेरे टॉम से, क्योंकि मैं जेरी हूँ तो वो टॉम है और वो है हमारे आचार्य तथाचार्य। नमस्कार। तेनाली रामा, तेनाली रामा, अरे सबसे सयाना है तेनाली रामा। अब मिलते हैं तेनाली रामा के बाकी लोगों से, और जिसमें सबसे खास है मानव गोहिल यानी राजा कृष्णदेव राय। सर, आई एम योर फेवरेट वन सर। नॉट येट, आई स्टिल हैव टू प्रूव माई वर्थ टू हिम, बट स्टिल आई लव हिम। I love him and I come from a long way to be with him, to be in his court. वैसे आज देखिए पर्दे के पीछे हो रही है तेनालीरामा तथाचार्य उनके सारे दरबारियों की अनोखी पार्टी, जहां सब मिलकर देखिए कैसे डांस कर रहे हैं। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नली रामा, तत तत नली रामा, थैंक यू सो मच। झूमते गाते कब सुबह से शाम हो गई पता नहीं चला, और अब वक्त है सास बहू और बेटा के जाने का। हमने सुबह सुबह नाश्ता बनाया साथ में, फिर हम निकले नीचे मंदिर में, ध्यान किया, फिर सारे रास्ते बात करते आए। मैंने डांस भी किया, गाना सुनाया, अपने प्ले का गाना सुनाया, यहाँ पर आकर मैंने सबसे मिलाया, अपना मेकअप करते हुए दिखाया, अपना कॉस्ट्यूम करते हुए दिखाया, दो दो चेंजेस किए जिसमें मैंने, फिर हमने खाना खाया और फिर हमारे सीन की शूटिंग हुई। अभी मैंने वापस सब लोगों से मिलाया और अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं। थैंक यू। तो उम्मीद है कृष्णा भारद्वाज यानी तेनाली रामा के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस रांची के लड़के के बारे में छोटी छोटी बातें पता चली होंगी, जिससे आप अब तक अनजान थे। तो पूरा रिकैप आपको मिल गया, आई एम श्योर कि आपको काफी मजा आया होगा कृष्णा से मिलके। तो इसी तरह देखते रहिए आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटिया, क्योंकि आपके सितारे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ श्रुति पर जाते हैं, मैं राम मुंबई आज तक। थैंक यू। Tenali Rama, Tenali Rama.